बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल लेटेस्ट रियल इस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी जुमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल वाइज, हमने ये चेक ओवरऑल जो बड़े फेजेस हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। नई चीज़ों को डिस्कस किया, फेज 10 को डिस्कस करेंगे, डी एच रैबर छोटा सा सेक्टर है उसको डिस्कस किया। सेवन के ऊपर आज मैं बात करूंगा। सेवन के काफ़ी वो दोस्त, मेरे पुराने दोस्त जो हमेशा सेवन के बारे में मेरे पे तनकीद करते कि सेवन को आप कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं सेवन को वहाँ पे ले आया हूँ जहाँ पे इससे आगे बीआरबी है। तो हमने देखना है कि सेवन ने रेट कहाँ पर स्टैंड किए। आया जो मैं 2022-23 की बात करता था सेवन के अंदर के घरों की रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्डर्स आ जाएंगे, जेन्युइन कस्टमर आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आ जाएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पूरी होगी। हाँ, कुछ मामला गड़बड़ हुए पिछले 9 प्रिज्म में या 10 के अंदर, क्योंकि मार्केट ने करवट एकदम ऐसी ली जो हमारे और आपके वह मुकमान में नहीं थी कि 2022 में अप्रैल में जो गवर्नमेंट चेंज हुई इसके क्या असरात पड़ेंगे किसी को भी मालूम नहीं था। उसने ऐसे पोलिटिकल सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाई पूरे 16 महीने के अंदर। अभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, केयर टेकर से पहले जो रेगुलर गवर्नमेंट थी उसमें वो हालात नहीं बन पाए कि रेगुलर इन्वेस्टर और वो बेहतरीन माहौल में सरमायाकारी कर सके। जब सरमायाकारी नहीं कर सकेगा तो फिर रेट रिवर्स होंगे उन फेजेस के अंदर, उन जगहों पे जो ऑन ग्राउंड नहीं है। और बीच में सेवन ई ने भी काफ़ी रफड़ा डाला, उस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुए, बट वो भी ख़त्म हो गया। CBT भी 1% पर लेके हैं। उम्मीद है जो अभी माहौल देने जा रहे हैं इंशाल्लाह बेहतरीन माहौल होगा। फिर सेवन वालों के लिए तो अब भी आइडियल माहौल है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से ब्रांड आते जा रहे हैं, सहूलतें आती जा रही हैं, घरों की रेशियो बहुत बेहतर होती जा रही है। अभी हम अगर डिस्कस करें 2 साल पहले को, तो मेरे ख्याल में अभी कोई 50% घर और बन चुके हैं। अभी तकरीबन अगर हम ओवरऑल देखें तो 40% फेज सेवन के अंदर घर बन चुके हैं। जब 40% से 50% की तरफ जाते हैं तो रेट रिवर्स नहीं होता, बैक नहीं मारता जिस तरह के आम फेजेस में होता था। जो ओपन फेज हैं जहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है या अभी पोजेशन रिसेंट दिया है या फाइल्स वहाँ पे बिक रही हैं, तो फेज सेवन वालों को मैंने ये जब मार्केट स्लो हो रही थी ये कहा था कि फेज सेवन रिवर्स नहीं हो रहा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से फेज सेवन में रेट रिवर्स नहीं हुए, लेकिन ट्रेड रेट जो है वो अब उसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं अभी मशवरा दूंगा कि आप फेज सेवन की बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फेज सेवन में रेट मुनासिब है, वहाँ से आप वाइंड अप करके फ़ायदा उठा सकते हैं। फेज 9 प्रिज्म में आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं। फेज 10 के अंदर रेट बहुत रिवर्स हुए हैं, फाइल्स बहुत मुनासिब आई हुई हैं, तो आज आपको फ़ायदा है। कभी मैं आपको 3 फाइल का कहता था, आज आप वहाँ पे 4 फाइल परचेज कर सकते हैं। तो फेज 7 से निकल कर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो फेज 10 आइडियल है। अगर आप फिर भी ऑन ग्राउंड रहना चाहते हैं तो फेज 9 प्रिज्म आइडियल है। बट ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप वहाँ पे भी स्टे करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप अपने घर बनाने के लिए बैठे हैं तो वहाँ पे अब माहौल बन चुका है कि आप वहाँ पे घर अपना बना सकते हैं। रेट की अगर हम बात करेंगे, ये आपको एनवायरनमेंट की बात बताई, माहौल की बात बताई, मार्केट की सिचुएशन बताई। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि वहाँ पर रेट्स क्या हैं। रेट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। फेज 7 को अगर Z2 से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, Z2 के अंदर 2 करोड़ का अब भी हमें प्लाट मिल जाता है। आगे वाई ब्लॉक के नाले के पास अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें 2 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट मिल जाता है। नीचे अगर वाई के बीआरबी की तरफ से अगर हम बात करते हैं, वाई को, एक्स को, टी को, यू को, ये सारे जो फेज नीचे वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर भी आपको 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट कनाल का मिल जाता है। अगर हमने करना हो गुजारा तो इस रेट में यानी कि 2 करोड़ में भी आप फेज 7 में घरों के बीच में घर बना सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि नहीं हमने तो पीक पे जाना है या अपनी मर्जी का, तो मैं मर्जी का आपको बता देता हूं कि 2 करोड़ से लेकर 4.5, 4.25, 4.25 तक आप ऑलमोस्ट आर ब्लॉक में रेट चलेंगे। अगर आप जिनके 4.25 में जाना तो आप फेज 6 में कोई एक आधा प्लाट मिल जाता है। बट हमने देखना कि फेज 7 पीक कहाँ पे। फेज 7 4 करोड़ एवरेज लगाते हैं, 2 करोड़ से 4 करोड़। 2 करोड़ बजट तो आप Z2 में जा सकते हैं, Y में जा सकते हैं। अगर आप बजट प्लस करते आएंगे तो आपको किसी भी फेज में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 3 से 3.5 करोड़ में आप किसी भी ब्लॉक में, S ब्लॉक में, U में, V में, W में, इन जगहों पे भी प्लाट आप परचेज कर सकते हैं जो कि आइडियल है। एक्स ब्लॉक में मैं घर भी तैयार कर रहा हूँ अपना। अगर आप किसी भी दोस्त की क्यूरीज होती है, आप घर परचेज करना चाहते हैं एज ए
ऑनर बिल्ड घर के तौर पे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो घर बना रहा हूँ वो ऑनर बिल्ड की तरह। कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड आपका कोई क्यूरीज होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको प्लाजा भी बना के दे सकता हूँ, घर भी बना के दे सकता हूँ, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल जहाँ तक भी आप बनवाना चाहते हैं, लेबर रेट पर बनवाना चाहेंगे तब बना दे सकते हैं आप। मटीरियल विद मटीरियल कहेंगे अलहमदिल्ला वो भी हमारी साइड चल रही है। आप अगर अपना मटीरियल देना चाहते हो, साथ में आप चाहते हैं हेल्प कर दें तो वो भी आपकी इंशाल्लाह हम हेल्प कर सकते हैं। तो क्योंकि फेज 7 डिस्कस हो रहा है तो फेज 7 में घरों की रेशो ज़्यादा है और एवरेज वहाँ पे घर ज़्यादा बन रहे हैं और अभी और ट्रेंड चलना है कि वहाँ पे घर ज़्यादा बनने। मैं जैसे कहता था 2022 में घर वहाँ पे उगेंगे, तो अगर अभी हम जाएंगे वहाँ पे तो घर आपको इसी तरह नज़र आएंगे। कमिंग वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको फेज 7 का जो है ऑन ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि वहाँ पे घर कितनी रेशो से बन रहे हैं। इंशाल्लाह आप देख कर खुश होंगे। अभी हमने देखना यह कि आया रेट, हमने कनाल का डिस्कस कर लिया, 10 मरला 1 करोड़ 55 लाख से लेकर 2 करोड़ 25 लाख तक आपको 10 मरला का प्लाट मिलेगा। 2 करोड़ 25 वाला प्लाट वो है जो 150 फीट रोड के ऊपर आ रहे हैं, एवरेज घर वहाँ पे पौने 2 करोड़ 2 करोड़ में आपको अच्छा प्लाट 10 मरले का मिल जाता है। तो बाकी 5 मरला वहाँ पे जो है जो नई कटेंगे वहाँ पे 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में, अगर हम ओल्ड कटेंगे टी ब्लॉक में वहाँ पे पौने 2 करोड़ की ब्रैकेट में, वहाँ पे पौने 2 करोड़ की ब्रैकेट में वहाँ पे 5 मरले का प्लाट भी है टी ब्लॉक में ओनली, और वो प्लाट वहाँ पे मिलता ही क्यों नहीं। कमर्शियल के अंदर काफ़ी डिस्कशन होती है कि कमर्शियल अप नहीं गया। कमर्शियल जब आबादी बढ़ जाएगी तो फेज 7 का भी अप जाएगा। एक तो वहाँ पे सीसीज ज़्यादा हैं, 6 सीसीज हैं वहाँ पे, इस वजह से भी थोड़ा दबाव है। तो इंशाल्लाह वो दबाव निकलेगा जब आबादी वहाँ पे बनेगी। ओवरऑल अगर हम 4 मरला को डिस्कस करें तो हमें 2.5 करोड़ से लेकर तकरीबन कोई 6 करोड़ तक 4 मरले का प्लाट मिलता है, और 7-8 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक हमें 8 मरले का प्लाट मिल जाता है। शार्टली कमर्शियल का आपको बता रहा हूँ, बाकी पोजेशन भी मिल जाता है इसी रेट के अंदर, नॉन पोजेशन भी ज़्यादा है। तो आप कहीं पर भी कोई क्यूरीज होती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्टर में कौन से घर और कितने रेशो से घर बने। तो आज के दिन इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।